अभी तक आपने देखा कि पांचों दोस्त हवा के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। एक बार फिर इनका सामना सुखड़ी मुखड़ी टिक्कू और जिनी से होता है। उनसे मुकाबला करके वो पांचों फिर उसी शहर में किंग सर जॉन और वक्त की मोहर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। सही समय जानने के लिए घड़ी ढूंढते हैं, पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। फिर अलग होकर जॉन और किंग सर की तलाश करने लग जाते हैं, जहां शिम्पू और स्पार्की का सामना शिमा से होता है। पर बाली विली ट्रिकी आकर शिम्पी और स्पार्की को बचा लेते हैं। अब आगे। अच्छा किया बाले, तुम सही समय पर आए, पीछा छूटा हमारा उससे। स्पार्की, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, वो पीछा छोड़ने वालों में से नहीं है। तुम लोग कहाँ बच के जाओगी? अरे ये तो यहाँ पर भी आ गया। जल्दी भागो यहाँ से, मुझसे नहीं बच पाओगे। विली, तुम इसे रोकने की कोशिश करो। जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। चलो। दोस्तों, अब लगता है कि हम बच गए। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आता, ये अगर हमारे पीछे पड़ा रहा तो हम जॉन और किंग सर को कैसे ढूंढेंगे? पता नहीं वो किस हाल में होंगे। ये तो मेरी गलतफहमी थी। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, अब मजा चिखाता हूँ इसे। जल्दी से निकलो यहाँ से सब। चलो। पता नहीं कहाँ भाग गए, मुझसे बचकर जाएंगे कहाँ? किस बिल में जाकर छुप गए हैं सारे के सारे? शिम्पू, जल्दी से उस मक्खी को हटाओ वरना वह तुम्हें काट जाएगी। तुम सब यहाँ छुपे हो, अब तुम्हें कोई नहीं बचाने आए। वो संभालो मेरा भाई। तुम डरो मत बेटा, तुम हट जाओ पीछे, नहीं तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। तुम सिर्फ हमें सपने में ही मार सकते हो, हिम्मत है तो मुकाबला करो। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। कहाँ गायब हो गए सारे, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अब देखना मैं क्या करता हूं। क्या हुआ ट्रिकी? मैं हूं दोस्त, डरने की जरूरत नहीं। राजकुमारी जी, आप कहाँ चली गई थी? मैं महाराज को क्या मुंह दिखाता? थैंक यू किंग सर, आपने हमारी जान बचाई। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, मुझे खुद भी याद नहीं कि मैं वहां कैसे पहुंच गया। जिस जादू को मैं बरसों पहले भूल गया था, आज उसी जादू ने अपना कमाल दिखा ही दिया। खैर कोई बात नहीं, अभी हम यहां पर सुरक्षित हैं। आज अगर किंग सर ना होते तो हम सब शिमा के कैद में होते। अब हम सबको बहुत ही संभल कर चलना पड़ेगा बाली, वरना वो शिमा। मैं छोड़ूंगा नहीं उस शिमा के बच्चे को, तभी मैं इस मिशन में अकेला आ रहा था। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुसीबत में पड़े।
बेटा तुम ये गलत सोचते हो कि ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी है। ये लड़ाई उस हर इंसान की है जो बुराई को खत्म करना चाहता है। हम सब की लड़ाई है और हमें साथ मिलकर ही लड़ना होगा। आप सही कह रहे हैं किंग सर, कहीं मेरी वजह से किसी को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सुनो, हम में से किसी को कुछ नहीं होगा, हम सब मिलकर उस कुका का मुकाबला करेंगे। बिल्कुल सही कहा स्पार्की, कि किस तरह से जॉन को मरीना की कैद से निकाला जाए। और मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो मैं हमेशा के लिए अवेलेबल हूँ, हमेशा आपके साथ। किटी मुंह बंद करो अपना। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया आया है जिससे हम आसानी से जॉन के पास पहुंच जाएंगे और क्रिस्टल को भी जल्दी से जल्दी हासिल कर सकेंगे। कैसा आइडिया? अब हमें पहले से भी ज्यादा चुकन्ना रहना पड़ेगा, वो मरीना हमें नहीं छोड़ेगी। अब सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। सर, अब जल्दी बताइए हमें क्या करना है। सबसे पहली बात कि हर किसी को अपने पर विश्वास रखना है और कोई भी किसी को अकेला नहीं छोड़ेगा। यदि उनके पास काली शक्तियां हैं तो हम सबके पास भी ईश्वर की दी हुई शक्तियां हैं। अगर हम लोग अलग हो गए तो क्या करेंगे? किंसर, कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे हम जॉन को भी बचा सके और क्रिस्टल भी हासिल कर सके। मुझे शिमा को यहाँ बुलाना पड़ेगा क्योंकि चाबी उसी के पास है। शिमा को? मैं उसे जादू का इस्तेमाल करके यहाँ बुलाऊंगा, उसके बाद शिमा से चाबी लेना तुम सबका काम है। ये बात, अरे हासिल करते हैं उससे चाबी हम लोग। बाली, ऐसा मौका बार बार नहीं आता, अगर उसको मजा ना चखा है तो मेरा नाम भी स्पार्की नहीं। ठीक है, फिर नया नाम सोच लो। बड़ा आया मेरा नाम बदलने वाला। किसकी हिम्मत हुई मुझे मारने की, कोई कुछ बताएगा? पता नहीं, कुछ लग रहा है इस पेड़ पे कुछ है, और वैसे भी हमें कुछ नहीं पता कि किस मोड़ पर किस जगह पर क्रिस्टल मिल जाए। मुझे इस पेड़ पर चढ़ना चाहिए। विली, ट्रिकी, मेरा साथ दोगे? अरे यहाँ पे तो एक डिब्बा है। अरे इसमें तो चिड़िया का बच्चा है। अरे इसकी माँ आ गई तो हमें छोड़ेगी नहीं। अरे बचाओ! भागो! अरे डब्बा! अरे इससे अच्छा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। कहो तो जाकर दबोचूं उस बाली के बच्चे को। नहीं नहीं रुको, ये बहुत चालाक है, कोई ना कोई वजह जरूर होगी जो ये यहां पर अकेले बैठा है। थोड़ा इंतजार करते हैं और देखते हैं ये क्या करता है। अगर स्पार्की और शिंपू राजकुमारी को साथ लेकर जाना है तो बाली को रास्ते से हटाना पड़ेगा। क्या बात है, तेरी खुश कर दिया। क्या करूं, कैसे जॉन को मरीना की कैद से छुड़वाऊं, ऐसे क्रिस्टल को हासिल करूं, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या सोच रहे हो बेटा? किंग सर, आप ऐसे कैसे क्रिस्टल्स को हासिल करोगे, कैसे जॉन को छुड़ाओगे, यही सब सोच रहे हो ना? पर मैंने तुम्हारी मंजिल का रास्ता ढूंढ लिया है। मैंने शिमा को यहाँ बुला लिया है। क्या तुम जानते हो कि शिमा मेरा बेटा है, उस पर मरीना के काले जादू का असर है। तो आपने ये बात शिमा से क्यों छुपाई? नहीं, मैंने कोई बात शिमा से नहीं छिपाई, बस हालातों ने कभी सच बोलने का मौका नहीं दिया। वो तो बेचारा जानता भी नहीं है
कि मैं उसका पिता हूं। उसने तो आंखें भी नहीं खोली थी जब मरीना ने उसे अपना गुलाम बनाया था। तब से ही वो उसी माहौल में पलने लगा और उसी संगत में बढ़ने लगा। मैंने बहुत कोशिश की उसे बताने की कि मैं उसका बाप हूं, पर मुझे मरीना से बहुत डर लगता था, इसलिए मैंने मरीना के डर से उसे नहीं बताया। वो ना उसको जिंदा छोड़ती और ना मुझको। पर आपके पास तो इतनी सारी शक्तियां थी। हाँ कोई बात नहीं, हाँ पर मैं आज आप दोनों को मिला के रहूंगा। किंग सर आप ठीक तो है ना? मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। अरे बेटा मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मेरे पास आओ। कोई नहीं बच पाएगा, बहुत हो चुका चूहे बिल्ली का खेल। आज मैं इस खेल को खत्म कर दूंगा, समझे तुम लोग? रुक जाओ विली और ट्रिकी। नहीं अभी अब इसको कोई नहीं बचा सकता। जरा देखो तो सही इस बूढ़े में कितनी सांसें बाकी हैं। किंग सर आगे खोलिए, आपका बेटा आपके पास आ रहा है, आप उसे सब सच्चाई बता दीजिए, आपको इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। नहीं बेटा, इस राज को बताने के बाद मैं जिंदा नहीं बचूंगा और शिमा की जान को भी खतरा है। आज कोई नहीं बचेगा। जी देखो मेरा कमाल, छोड़ोगे नहीं कभी आज। विली संभल कर। तुम शायद जानते नहीं हो मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं, संभलने के लिए तैयार हो जाओ। बकवास बंद करो अपनी, सब चुप है तो तुम क्यों बोल रहे हो? हाँ, राजकुमारी जी बहुत अच्छी बात बोली तुमने। मुंह तोड़ू क्या तुम्हारा? हाँ, ये बाली अपने आप को क्या समझता है? क्या हमारे अंदर ताकत नहीं है? हम इसके बगैर लड़ नहीं सकते हैं क्या? छोड़ो इन बातों को, किंग सर ठीक नहीं है। मैं सब कुछ जानती हूँ, ये सब शिमा का किया हुआ है। आज का दिन तो तुम सबके लिए काल बनकर आया है। बहुत सारी गलत फहमियां है तुम्हारे अंदर शिमा। किंग सर क्या हुआ आपको? मैं आखिरी बार अपने शिमा से मिलना चाहता हूँ। शिमा मेरे बच्चे। शिमा मेरे बच्चे, ये आप क्या कह रहे हैं? कहीं इनकी कोई चाल तो नहीं है? आए आगे आगे देखो होता है क्या, हमारे कुछ किए बगैर ही हमारा काम हो जाएगा। सही बोला तू। जरा अपना मोटा सा मुंह बंद रखो, चुपचाप देखो वो लोग क्या कर रहे हैं। तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ चूहो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। शिम्पू मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। वो पत्थर उठाकर मारो उसे। ये जरूर शिमा का कोई काला जादू है। किटी तुम पता करो। दीदी मेरी मदद करो। अभी भी वक्त है, शराफत के साथ सब मरीना के पास चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा। है? जल्दी कुछ करना पड़ेगा वरना बात और बिगड़ जाएगी। बाली वहाँ मत जाओ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे मरने के कुछ देर बाद ही शिमा मर जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इसको इसकी सारी गलतियों का एहसास हो, नहीं तो ये मरने के बाद भी ऐसे ही भटकता रहेगा। ओ गॉड मुझे शक्ति दो,
मैं उस सीमा का मुकाबला कर सकूं और साथ में किंगसर को भी तकलीफ ना हो। ओह गॉड, मैं क्या करूं? मुझे रास्ता बताइए, मैं क्या करूं? ओह गॉड, बताइए मुझे। ये तुम क्या कर रहे हो? पर कौन हो तुम और ये शक्तियाँ तुम्हारे पास कहाँ से आई हैं? पर तुम चाहे कोई भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो मेरा बार। माली, जल्दी कुछ करो। मेरी पावर तलवार। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता शिवा। खेल ले। रो मत बेटा, मैं ही तुम्हें नहीं बता पाया कि तुम मेरे बेटे हो। अरे ये तो इसका बाप निकला, हमला बोल दूं क्या? अभी नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। किंग सर, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। आप छोड़कर मत जाओ। हम आपके बगैर कुछ नहीं कर पाएंगे। प्लीज प्लीज हमें बीच रास्ते में मत छोड़ के जाओ। आप ऐसे नहीं जा सकते। नहीं बेटा, रो मत, मुझे तो जाना ही था। पर मैं खुश हूँ कि आज आखिरी समय में मेरा बेटा मेरे साथ है। पर तुम सब मुझे वचन दो कि सब गोगा के काले साम्राज्य को जरूर खत्म करोगे। भगवान ने मुझे तुम सब लोगों से यूं ही नहीं मिलाया। मेरा इतने सालों का इंतजार करना बेकार नहीं गया। अब मेरे जाने का समय आ गया है बच्चों, पर चिंता मत करना। मैं शरीर से भले जा रहा हूँ, पर मेरी आत्मा हमेशा तुम लोगों के पास रहेगी। किंग सर, आप हमें छोड़ के मत जाओ। मत जाओ किंग सर, मत जाओ। किंग सर। अरे यार, ये सब कहाँ उड़े जा रहे हैं? हम लोगों को भी इनके पीछे चलना चाहिए। चलो जल्दी चलो। बॉस, इन दोनों के मरने के बाद वो पांचों बच्चे जल्द ही आपकी कैद में होंगे। किंग और शिमा की कहानी तो खत्म, अब आगे क्या करना है जानती हो तुम? मुझे जल्द से जल्द वो पांचों चुचुंगा चाहिए, नहीं तो तुम सजा के लिए तैयार रहना।